छात्रा पीएम से करेगी मांग, इंडिया का नाम बदलकर रख दिया जाए हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। मैं हूं आपके साथ आस्था त्यागी। इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान करने की मांग को लेकर एक पिता और पुत्री कोलकाता से दिल्ली तक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। वे साइकिल चलाते हुए जनपद हापुड़ में पहुंचे। साइकिल पर तख्ती लगाए ये मांग की गई है कि इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान रख दिया जाए। वेद पंडिता बासु 9वीं क्लास की छात्रा है। पुत्री 9 अप्रैल को अपने पिता के साथ साइकिल पर सवार होकर कोलकाता से निकली थी। शनिवार को वह जनपद में पहुंची। दोनों अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। बताया गया है कि पहले हापुड़ से वह गाजियाबाद जाएंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से मिलकर अपनी मांगों को रखेंगे। बताया गया है कि 9वीं कक्षा की छात्रा बासु इतिहास की किताब में ईस्ट इंडिया कंपनी की पढ़ाई की, तो जब भी इंडिया का नाम सुनती हैं तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आती है। इस कारण वह इंडिया से बदलकर हिंदुस्तान नाम करवाना चाहती है। बेटी बोली, सिर्फ साइकिल से ही जाना है। कोलकाता के विश्वरूप बासु बताते हैं, उनकी बेटी बासु ने कहा है कि वह साइकिल लेकर कोलकाता से चलकर दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलना चाहती है। वह चाहती है कि इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखा जाए। पहले दोनों ने मना किया लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वे गाड़ी से लेकर चलते हैं लेकिन पुत्री ने मना कर दिया। बासु ने कहा कि साइकिल से ही जाना है, इसलिए वह भी अपनी बेटी के साथ साइकिल लेकर उसी के साथ चल दिए, क्योंकि वह बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि पूरे रास्ते जगह जगह पर लोगों ने बेटी की हौसला अफजाई की है। छात्रा वेद पंडिता बासु बताती है कि इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखना चाहती हूँ, इसलिए वह कोलकाता से 9 अप्रैल को ही दिन के 11 बजे चली है। दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करना है। बच्ची का कहना है कि जब देश के प्रधानमंत्री 4 घंटे सोकर 20 घंटे काम कर सकते हैं तो वह अपने भारत के लिए इतना भी नहीं कर सकती। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।